थैंक गॉड हम फाइनली पास हो गए यार। मुझे तो डिसेक्शन से बहुत ही घबराहट होती थी। तू भी बड़ा अजीब किस्म का मेडिकल स्टूडेंट है यार। अगर मुर्दों से इतना डर लगता है तो फिर जिंदा आदमी कैसे काटेगा तुम्हें? तू पहला सर्जन होगा जो ऑपरेशन से डरता है। सर्जन तो मुझे बनना ही नहीं है, मुझे तो साइकियाट्री या ऐसा कुछ करना है। असल में मुझे इस चीड़ फाड़ से कोई डर नहीं लगता, लेकिन ये मुर्दा शरीर देखकर उनके चेहरे उनकी आंखें, यार ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दिन में मैं डिसेक्शन कर लेता हूँ, लेकिन रात के वक्त कहीं कर जाना पड़ जाए तो मेरी तो जान ही निकल जाती थी। कभी ये भी चलते फिरते हंसते बोलते लोग थे यार, क्या पता इनका भूत भूत क्या भूत भूत है ये भूत भूत सब बेकार की बातें हैं। इनसे क्या डर रहा है यार, क्या बिगाड़ लेंगे ये मुर्दे तेरा? मुझे तो डर लगता है बॉस। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा पक्का बोल रहा ना? हाँ, या फिर यूं ही हाँक रहा है? क्या मतलब? नहीं तो बातें तो बड़े दिलेरे की कर रहा, लेकिन तुझमें है इतनी हिम्मत? अगर रात को यही मुर्दे मिल जाएंगे ना तो फूट सरक जाएगी तेरी। अबे चल दिमाग ठीक है तेरा, हर हफ्ते इनका डिसेक्शन करता था ना, कभी डरा? अरे यार मैं रात की बात कर रहा हूँ, डिसेक्शन तो हम लोग दिन में करते थे, 20 और लोग साथ में होते थे, लेकिन रात की बात एकदम अलग है यार। ओहो, तो क्या चाहता है तू? तुझे प्रूव करके दिखा दूं कि मुझे डर नहीं लगता। अगर सचमुच तेरे में जिगरा है तो आज रात को इस बिल्डिंग में जाकर इन मुर्दों को छू कर वापस आना होगा। करके दिखाऊंगा। कितने की शर्त लगाता? एज यूजुअल 100 रुपए की। लेकिन हाँ, इन मुर्दों के हाथों पर जो नंबर लगे हुए हैं सबूत के तौर पर, तू मुझे वो लाके दिखाएगा तभी मानूंगा मैं। कुछ नहीं होगा, मुर्दा ही। रानी की कोई बात नहीं अश्विन, बस 3 मुर्दे और हैं। हार गया सर, चल निकाल मेरे 100 रुपए। चलो निकालो निकालो। यार एक्चुअली शर्त ज्यादा की लगानी चाहिए थी, इतना तो मेरा नौकर ही ले जाएगा। नौकर? वही तो बना था मुर्दा, लेकिन तूने तो उसी के हाथ तोड़ दिया। लकीली कुछ हुआ नहीं, पर एक बात है, तू है एक नंबर का उल्लू। मतलब तूने सचमुच मान लिया कि मुर्दा जिंदा हो गया? अबे मैं मानता हूं मैं डर गया था, लेकिन मेरी जगह तू होता तो तू भी डर जाता। अच्छा मेरा बहाना बनाकर अब तू ये मत बता कि तू डरपोक नहीं है। तो तुम किसी चीज से नहीं डरते? हाँ नहीं डरता मैं किसी भी चीज से नहीं डरता, भूत प्रेतों से भी नहीं। भूतों से डरना तो दूर, मैं उन पर विश्वास भी नहीं करता। क्यों, तुम्हारी तरह हूं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा, हंसो मत। क्या तुम वाकई भूत प्रेतों से नहीं डरते? अरे मैं तो जिंदा आदमियों से नहीं डरता, फिर उनसे क्यों डरूं जो मर चुके हैं? हाँ तो ठीक है,
क्या तुम मेरी दादी के भूत बंगले में एक रात गुजार सकते हो? क्यों नहीं, क्या मैं तेरे दादी के भूत से डरता हूँ? लगता है उस रात के बाद से तेरा भेजा उलट गया है। सिर्फ मेरी दादी का भूत ही नहीं, और भी बहुत कुछ है वहां पर। छोड़ यार मोहन, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। बकवास मत कर यार, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तो लगी शर्त? कितने की? 500 रुपए की। 500 रुपए? पागल है क्या? 500 रुपए अगर कल 12 बजे से लेकर तू वहां पर सुबह 7 बजे तक टिक सकता है तो। ओके, लगी शर्त। अरे तू आ गया, मुझे लगा तू आएगा ही नहीं। तूने क्या सोचा मैं डर जाऊंगा तुझसे और तेरे ये भूत बंगले से? हाँ, कौन कितने पानी में है ये सुबह देखेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलो, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ रुकना भी खतरनाक है। अभी भी कह रहा हूँ बॉस, शर्त को मारो गोली, यहाँ से निकल चलते हैं। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ए, देख देख देख, तुझे जाना तू चला जा, मुझे 500 रुपए कमाना है। चल चले, दिखा दूं तुम्हें रहना कहाँ है। ओए, कहाँ जा रहा है? अरे इधर चलो। कोई 2000 रुपए दे तो भी मैं यहां ना रुकूं रात को। रात तो क्या, मैं तो दिन में भी ना रुकूं। क्यों मोहन, अभी भी उतना कॉन्फिडेंस है या भूल जाए शर्त को? छोड़ना यार, इस बंगले से क्या डरना? तू बता ना जगह किधर है। चल फिर इधर। ये क्या है? हाथों के धब्बे हैं, खून से सने, 20 साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी ताजा हैं। कमरा मत देखो, यहाँ जो कुछ घटा था वो देखना। अभी तो सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, लेकिन 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद यहाँ के ऊपर तो हो गया बस। मोहन, तुमने हमारा वो 2 बेडरूम का फ्लैट तो देखा है ना? कभी सोचा कि इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर हम उस 2 बेडरूम के फ्लैट में क्यों रहते हैं? ये अपनी मर्जी की बात है यार। और वैसे भी ये टूटी फूटी हवेली को रिपेयर करने में लाखों रुपए लग जाएंगे तुम्हारे यार। वो तो हम इसे बेच भी सकते हैं। बेच भी तो सकते हैं हम इसे। क्यों नहीं बेची? क्योंकि कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। बहुत कोशिश की हमने, आधी रात के बाद यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। कोई नहीं रह सकता यहाँ आधी रात के बाद। यहाँ पर भूत प्रेत आते हैं, कोई नहीं रह सकता यहाँ आधी रात के बाद। प्लीज
उसके भूत प्रेत आते हैं। कोई कहानी वानी तो होगी, बता ना। बताता हूँ, यह हवेली आज से 200 साल पहले मेरे बाप दादाओं ने बनवाई थी। हम सब लोग यहाँ एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे, मेरी दादी, मेरे ताया जी और उनकी दो बेटियाँ, मेरे माँ बाप और मैं। फिर अचानक एक दिन हमारी दादी चल गई, और मेरे पिताजी ने एक फ्लैट खरीद लिया, हम लोग उसमें शिफ्ट कर गए। मेरे ताया जी ने तय किया कि वो लोग यहीं रहेंगे। उनकी दो बेटियाँ थी, बड़ी बेटी की उम्र 25 साल की थी और वो ड्रेस डिजाइनर थी, छोटी स्टूडेंट सिर्फ 17 साल की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक रात, से 20 साल पहले, डिजाइन तुझे कैसा लगा? नेहा, क्या हुआ? मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी सारी लिपस्टिक बर्बाद कर रही हो। कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है, ब्राउन या पिंक? नेहा, अच्छी बहन हो तुम। आई एम आस्किंग यू समथिंग और तुम ध्यान ही नहीं दे रही हो। सॉरी, पर बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी तब जिंदा होती मुझे। तू तो है ना, तू तो मेरी समझदार बेटी है। देखो, अगर भूख लगे तो उसे दे देना, कुछ बना देगी एकदम, ठीक है? और हाँ, वो गैस बंद करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? रिलैक्स डैडी, हम भी बच्चे हैं। मेरे लिए तो बच्चे ही हो। ये रात को कौन हो सकता है? मैं नीचे जाके देखता हूँ। नमस्ते राजन साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर सावंत, आप इस समय? आइए आइए, अंदर आइए। इट्स ओके, एक इमरजेंसी हो गई है, उसी के बारे में आपको बताने आया। क्या हुआ? वो यहाँ से 5 मील दूर जो विश्राम बाग मेंटर होम है, वहाँ से एक खूनी पागल छूट कर भाग गया है और हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। खूनी पागल? जी हाँ, 5 साल पहले उसने अपनी बीवी और बेटी का गला काट दिया था और तभी उसे हमने बंद कर दिया था। पता नहीं आज रात कैसे वो छूट कर भाग गया। हमें शक है कि वो इसी एरिया में, और हमारी खोजबीन भी जारी है और हम सबको आगाह कर रहे हैं कि आज रात सतर्क रहें और अपने दरवाजे अच्छी तरह से बंद रखें। लेकिन मैं तो अभी निकल रहा था, मुझे अंबे गांव में बहुत जरूरी काम है। आप जाना कैंसिल नहीं कर सकते? जी नहीं, मेरा काम तो रात को ही होना है, लेकिन अब सोचता हूँ कैसे जाऊँ। डैडी आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं हूँ ना डैडी, आप जाइए। लेकिन मैं कैसे जाऊँ भाई, तुम दोनों यहाँ अकेली हो और वो बाहर वो पागल खूनी घूम रहा है। हम दरवाजे को अंदर से ताला लगा लेंगे और सुबह तक नहीं खोलेंगे, प्रॉमिस। आप चिंता मत कीजिए राजन साहब, देखिए अगर आपको जाना है तो जरूर जाइए। तो ठीक है, तुम लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कुंडी चढ़ा लो और किसी के कहने पर भी नहीं खोलो। डोंट वरी डैडी, हम सब साथ हैं। आइए राजन साहब। खाने के बाद सीधे सोने जाओ।
मैं जाकर शावर लेकर आती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी, वो पागल यहाँ आ गया तो? नहीं आएगा, चलो खा लो। पूर्वी वो आ गया तो? नहीं आएगा, चलो खा लो, मैं शावर लेकर आती हूँ। अभी तक सोई नहीं? कैसे सो? मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी, इसमें डरने की क्या बात है? मैं हूं ना? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बिजली गई है। कहीं वो पागल तो नहीं? हाँ, वो पागल ही बाहर खड़ा है, उसी ने तारे काट दिए। नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रही है, अब तुम सो जाओ। वैसे भी तुम्हें बिजली बंद करके सोने की आदत है, ये समझो कि तुमने बत्तियां बुझा दी है। थोड़ी देर बाद सुबह होगी, फिर कोई डर करने की बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं, मैंने मोमबत्ती जला दी है। ये कैसी आवाज थी पूर्वी? शायद कोई दरवाजा खटखटा रहा है। नेहा घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ। है वहां? बाहर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं जरा नीचे जाकर देखती हूँ। मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ पूर्वी। कुछ भी नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा संभालो अपने आप को, शायद डैडी होंगे। हमने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है, उन्हें अंदर आना होगा। क्या पता कुछ भूल गए हो, मैं जरा जाकर देखती हूँ। नहीं, हो सकता है वही पागल हो। मुझे मरना नहीं है पूर्वी, मैं मरना नहीं चाहती। तो क्या सुबह तक डैडी बाहर खड़े रहेंगे? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ तो तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। उसने तुम्हें मार दिया और मेरे पीछे आ गया तो? कुछ भी नहीं होगा, जब तक वो अपना नाम नहीं बताएगा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर मैं ऊपर आऊंगी और तुम दरवाजा खोल लेना। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम आई हो? जब तक तुम मेरा नाम नहीं सुनो ना, तुम दरवाजा नहीं खोलना, ठीक? नेहा घबराना मत, जब तक मैं ना हूं दरवाजा मत खोलना, तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। Thank you.
मुझे डराओ मत, मैं तुम्हें दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे मत डराओ पूर्वी। पूर्वी देखो मुझे अपना नाम बता दो, मैं जल्दी से दरवाजा खोल दूंगी। कैसी आवाज थी पूर्वी? ना उस दिन रात के ठीक 12 बजे के बाद घटी थी। उस दिन से आज तक इस कमरे में उन लड़कियों की आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजा खटखटाने की आवाजें होती हैं और पूरी घटना फिर से दोहराई जाती है। अच्छी कहानी गढ़ी तूने, पर मैं तेरी कहानी से डरने वाला नहीं हूं। तू क्या सोचता है कि तू मुझे डरा देगा तो मैं डर जाऊंगा ताकि तू मुझे रात को आके फिर डराए? समझता हूँ मैं तेरी चाल है। 12 बजने वाले हैं, हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम खुद ही देख लेना हकीकत क्या है। 12 बजे तुझे पता चलेगा कि डर क्या होता है। एकदम मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कभी होता है क्या? तो तुझे क्या लगता है कि रात को कुछ नहीं होगा? होगा तो, पर कोई भूत भूत नहीं होगा, ये अपना अश्विन ही मुझे डराने की कोशिश करेगा। ठीक है यही समझ ले, 12 बजे के बाद तुम खुद ही देख लेना। इतने सालों बाद भी ये घड़ी चल रही है। 10:30 बजे यहाँ से फूट लेते बॉस। हाँ चलते हैं। सच है झूठ मुझे नहीं रुकना, अश्विन चलो। चलते हैं लेकिन तुम इसे रख लो। ये क्या पिस्तौल? पिस्तौल? हाँ पिस्तौल की क्या जरूरत है मुझे? भारी हुई है संभाल के। अश्विन चलो। मेरे डैड की है, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँ, तुम इसे रख लो शायद तुम्हारे काम आए। क्यों तुम्हारे भूत के हार पास के बने हुए? मैं कभी भी अकेला यहाँ रात को रहा नहीं हूँ, पता नहीं रात को क्या घट जाए तुम्हारे साथ, तुम इसे रख लो। अश्विन चलो। अश्विन ने कुछ छुपा के तो नहीं रखा? तेरे भूतों से क्या, किसी से भी लड़ता मैं। बुच्चा डरा था मुझे, बुच्चा डरा था मुझे। ₹500 रख तैयार तो अश्विन। चीयर्स। मेरे भूत प्रेतो, सॉरी हाँ एक ही ग्लास है, वरना मतलब तुमको भी ऑफर करता, मतलब अगर आप लोग चाहे तो मतलब इस बोतल से भी पी सकते हो।
हो गया पूरा। मैं तो चला सोने, तो मेरे प्रेतो तुम भी सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। किधर पक गया? उर्वी, मुझे भूख लगी है। उर्वी, मुझे भूख लगी है। मैं तेरे लिए अंडा बना के ले आती हूँ, ठीक है नेहा? हाँ नेहा। मुझे पता तू किधर है,
झूम झूम ढलती रा। झूम झूम ढलती रा। झूम झूम ढलती रात लेके चली मुझे अपना। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये किसी को पक्का मालूम नहीं, लेकिन अगले दिन लोगों ने अनुमान लगाया कि पूर्वी ने नेहा के लिए डिनर बनाया, फ्राइड एग, और खुद शावर लेने चली गई। बाथरूम से जब वो बाहर आई तो नेहा के पास जाकर बैठी थी, क्योंकि नेहा बहुत जल्दी डर जाती थी। नेहा को उसने सांत्वना दी, कहा कि डरो मत, और अचानक बिजली चली गई। बाजू वाली बिल्डिंग का वॉचमैन साहब, मगर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शांत हो या तुम? हाँ साहब, सवेरे 7 बजे तक हमारी ड्यूटी है। पिछले 1 घंटे से हमने यहाँ पे किसी को देखा? नहीं 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 देखा साहब। एक नौजवान लड़का, शायद 3 और भी हो सकते हैं। हाँ साहब, एक नौजवान लड़का तो देखा मैंने। कहाँ, किधर? घर यहीं पे, आपको देखा ना। ठीक साहब, अपन यहाँ ड्यूटी करते हैं इसीलिए यहाँ पर है, वरना इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता, ना ही किसी को भटकना चाहिए। क्यों क्यों? अरे साहब, आप तो इसी बंगले से आए हैं, आपको नहीं मालूम इस बंगले में भूत रहते हैं? 20 साल हो गए होंगे, 2 लड़कियों का कत्ल हुआ था इसी में। यानी उसमें सच कह रहा था। अच्छा मुझे तुम्हें बता, कहाँ गए वो यार? अरे चुना, ये जगह ठीक नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है, शायद अश्विन सच कह रहा था, मुझे
मुझे भी चला जाना चाहिए घर, लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं डरता उससे। पता नहीं अश्विन ने किया कैसे, लेकिन मुझे मालूम है ये उसी की चाल है। मैं नहीं डरूंगा तुम्हारी चालों से अश्विन, मैं नहीं डरता तुम्हारी चालों से, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरने वाला, मैं आज यही रुकूंगा, आज मैं यही रहूंगा, आज मैं यही रहूंगा, आज मैं यही रहूंगा। अश्विन देखता हूं तू कितना करता है, मुझे मालूम है अश्विन, अच्छा मुझे और डरा करो तू, चल अब तक तो उसका चेहरा देखने लायक होगा, बहुत बढ़ चढ़ कर बातें बोल रहा था। तुझे क्या लगता है वो सचमुच में डर जाएगा? वो क्या, कोई भी डर जाएगा, मैंने इंतजाम ही ऐसा किया है, अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज टेप की है और स्पीकर इधर उधर छुपा दिए, और वो खूनी हाथों के धब्बे मैंने पूरे बंगले में लगाए थे। उसको अब तक पूरा यकीन हो गया होगा कि भूत है उस बंगले में। लेकिन असल में वो बंगला है किसका? मेरे डैड एस्टेट एजेंट है, उनके पास ये बंगला बहुत पहले से पड़ा हुआ था, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है, एक तो महंगा बहुत है, ऊपर से टूटा फूटा है यार। और तूने वो जो अपनी फैमिली वाली कहानी सुनाई मेरी वो दो कजन सिस्टर की मौत की कहानी है, वो सब बंडल था यार। एक्चुअली मैं आज से 20 साल पहले वहाँ दो लड़कियों का खून हुआ जरूर था, पर उसी पुरानी कहानी में मैंने नमक मिर्च लगाया था, और वो जो मोहन से मैं 100 रुपए हारा था ना, उस शर्त का बदला भी तो लेना था मुझे, पर अब 100 रुपए से 500 रुपए वसूल करूंगा, और फिर उसकी शर्त तो देखने वाली होगी। अब चले अभी? हाँ वापस जाना है वहां। अबे अभी तो मजा आएगा उसे डराने में। नहीं बॉस, आज रात के लिए इतना ही काफी है। अबे चल ना, सवेरे चलेंगे। कितना डरपोक है यार, अब तो तुझे सब कुछ पता है। देख अब उसे डराने में बड़ा मजा आएगा, बहुत दिलेर बनता था ना अपने आप को। चल चलो चलो चल चल। बेहोश हो गया मोहन, मोहन मोहन तुझे क्या हुआ? लाश, सगड़ी लाश, निया, पूर्वी, मोहन क्या हुआ तुझे? तुम मरने वाले हो। अभी क्या बक रहा है, कौन मरने वाला है? लगता है इसे यकीन हो गया कि यहाँ पर भूत है। मोहन, मोहन वो सब कुछ मैंने किया था यार। तुमने किया? हाँ वो दरवाजे खटखटाना, वो आवाजें, वो लड़कियों का, वो सब कुछ मैंने किया था यार। मोहन यानी वो कोई भूत नहीं था? मोहन यहाँ कोई भूत नहीं है यार। कोई खून नहीं था, कोई भूत नहीं था मोहन। मोहन तो फिर वो क्या है? मौत और डर।
जमीन से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।